वेलकम बैक दोस्तों। दिन भर बालासोर घूमने के बाद में अभी मैं आया हूँ बस स्टैंड में भुवनेश्वर जाने के लिए। तो ये बस भुवनेश्वर जा रही है, टिकट वगैरह बस में मिलेगा। तो जब तक मैं सोच रहा हूँ लंच कर लूँ। सामने एक होटल दिख रहा है तो चलते हैं उसी में। तो ये है मेरा लंच आज का। ये है बंद गोभी का सब्जी, ये है टमाटर का चटनी, ये है न्यूट्रेला सोयाबीन और आलू की सब्जी, ये है पापड़ और दाल एंड राइस। तो कर लेते हैं अपना लंच और चढ़ जाते हैं बस में। तो यही शायद मेरा सीट है, हाँ यही होना चाहिए, हाँ यही है। बैठ जाते हैं, आपको मिलते हैं भुवनेश्वर पहुँच कर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप सब? तो आज मेरा साइट सीइंग का फर्स्ट स्पॉट है रामेश्वर टेम्पल। इसे मौसीमा टेम्पल भी कहा जाता है और देवला रामेश्वर टेम्पल भी कहते हैं। इसे 9th सेंचुरी का शुरुआत में बनाया गया था। तो सीन ये है दोस्तों, कल मैं भुवनेश्वर पहुंचा था काफ़ी देर रात को और इधर नाइट कर्फ्यू चल रहा है, मुझे पता नहीं था। बहुत मुश्किल से होटल मिला, तो कल रात और मैंने कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं की। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्पॉट। ये कौन सा मंदिर है पूछना पड़ेगा, मैंने बोर्ड देखना भूल गया। पंडित जी कौन सा मंदिर है? ब्रह्मेश्वर। शिव जी का ये मंदिर 9th सेंचुरी में बनाया गया था। अब हम आए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए और इधर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, इडली पूरी वड़ा। आप क्या खाएंगे? मैं तो उपमा खाऊंगा। काफी भीड़ लगा हुआ है, लगता है फेमस दुकान हुआ। इतना स्वादिष्ट उपमा आज से पहले मैं नहीं खाया। और ये बड़ा बाहर से क्रंची और अंदर से एकदम सॉफ्ट है। और अब हम आ पहुँचे हैं राजा रानी टेम्पल। 11th सेंचुरी में बनाया गया ये टेम्पल बहुत ही फेमस है, पर इस वक्त खाली दिख रहा है क्योंकि हम सुबह सुबह निकल पड़ते हैं तो ज़्यादातर जगहों में भीड़ नहीं मिलता। अच्छा, इन मंदिरों में जो नक्काशी कह लो, कारीगरी कह लो, क्या हुआ है, बहुत ही अच्छा है, एकदम बेहतरीन, देखने लायक। और ये है भुवनेश्वर का इस्कॉन टेम्पल। ये बनाया गया था 1991 में। बहुत ही सुंदर है ये मंदिर, इसका कलर कॉम्बिनेशन भी थोड़ा अलग सा है। भुवनेश्वर को सिटी ऑफ टेम्पल्स कहा जाता है। सब टेम्पल्स का आज हम कवर नहीं कर सकते, फिर भी कोशिश करेंगे जितने देख सकते हैं देखेंगे। जैसे दिन बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे मंदिरों में लोगों का भीड़ बढ़ते जा रहा है। इधर काफ़ी सारे श्रद्धालु आए हुए हैं। तो चलिए चलते हैं अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। सीपी ऑफिस, बहुत ही सुंदर बिल्डिंग था वो। और ये है भुवनेश्वर का राम मंदिर, बहुत ही कलरफुल और अट्रैक्टिव मंदिर है ये। चलिए चलते हैं अंदर।
अपना स्पीड थोड़ा बढ़ाना होगा। मैं बस कुछ ही देर के लिए हूँ अभी भुवनेश्वर में, और काफ़ी कुछ देखना बाकी है। दोपहर बाद मुझे फिर बस पकड़ना है यहाँ से। अभी हम आ पहुँचे हैं भुवनेश्वर का सबसे इम्पोर्टेंट प्लेस, लिंगराज टेम्पल। इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ ये भुवनेश्वर का सबसे बड़ा मंदिर भी है। राजा ललितेंदु केसरी ने बनाया था ये मंदिर को 11th सेंचुरी में। इसकी हाइट है 54 मीटर्स। मंदिर की अथॉरिटीज काफ़ी स्ट्रिक्ट है और इधर कोई वीडियोग्राफी फोटोग्राफी अंदर अलाउड है ही नहीं। इनके साथ साथ हम भी मंदिर से निकल पड़ते हैं। ये मंदिर के बाहर छोटा सा एक मार्केट है जहाँ पूजा के लिए जो भी ज़रूरत हो वहाँ से ले सकते हैं, नारियल फूल प्रसाद वगैरह। यह है उदयगिरी केव्स और इसके ठीक ऑपोजिट में है खंडगिरी केव्स। ये केव्स को पहले कटक केव्स कहा जाता था और ये पार्टली नेचुरल है और पार्टली आर्टिफिशियल है। इन केव्स का आर्कोलॉजिकल, हिस्टोरिकल और रिलीजियस काफ़ी इम्पोर्टेंस है। ये स्पॉट सही मायने में एक क्राउड पुलर है, बहुत लोग आते हैं इसे देखने। पर वो जो मंदिर दिख रहा है वो है दिगंबर जैन मंदिर और वो है खंडगिरी पहाड़ के ऊपर और उधर ही है खंडगिरी केव्स। खंडगिरी और उदयगिरी केव्स के बीच में एक रास्ता है, उसे पार करके फिर सीढ़ियाँ चढ़ के आपको खंडगिरी केव्स जाने होते हैं और उसी पहाड़ के ऊपर में ये दिगंबर जैन मंदिर भी है।
मैं खंडगिरी पहाड़ के ऊपर नहीं जा रहा हूँ, तो मैं खंडगिरी केव्स और वो जैन मंदिर नहीं देख पाऊँगा। जो मेरे वीडियोस देखते आ रहे हैं उन्हें पता है मेरा काफ़ी उम्र हो चला है, इतनी सीढ़ियाँ मैं चल नहीं पाऊँगा, तो इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। तो भुवनेश्वर से बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।